अजीज तलबा व तालिबात, यादें और बातें जो के दादा भाई नूरू जी का लिखा हुआ सबक है। उन्होंने इस सबक के अंदर अपनी खुद की आपबीती बताया है। उनकी ज़िंदगी में जो हालात रोनुमा हुए हैं उसको उन्होंने इस सबक में खुलकर बताने की कोशिश की है। अजीज तलबा, दादा भाई नूरू जी कहते हैं कि मुझे लड़कपन में गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक था। जैसे हर बच्चे को कुछ ना कुछ शौक होते हैं, किसी को जो है खेलने का शौक होता है, किसी को खाने का शौक होता है और किसी को पढ़ने का शौक होता है। तो दादा भाई नूरू जी कहते हैं कि मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक था। जैसे ही मुझे फरागत मिलती मैं इस खेल के अंदर मशगूल हो जाता, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि जब उन्हें वक्त मिलता है तो वो फौरन अपने पसंदीदा काम में लग जाते हैं। मगर वो कहते हैं कि इसी के साथ साथ मुझे पढ़ने का भी बड़ा शौक था, क्योंकि जब दादा भाई नूरू जी मदरसे में पढ़ते थे और उस वक्त में कोई ऑफिसर बाहर से आता था, जैसे आज भी हम देखते हैं कि स्कूलों में बहुत सारे ऑफिसर मुआयना करने के लिए, विजिट देने के लिए स्कूल आते हैं, तो उनके मदरसे में जब कोई ऑफिसर बाहर से आता था तो उस्ताद नमूने के तौर पर उनको उनके सामने, उनको मतलब ऑफिसर के सामने दादा भाई नूरू जी को पेश करते हैं। दादा भाई नूरू जी ने हिंदुस्तान में तालीम पर बड़ा जोर दिया। उन्होंने हिंदुस्तान में तालीम को आम करने की कोशिश की। इसके लिए मुंबई में उन्होंने एक सोसाइटी कायम की ताकि उसमें लोग तालीम हासिल करें। दादा भाई नूरू जी की एक बात थी कि वो हमेशा बुराई से बचते रहते थे। किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, हालांकि उनको खुद की किताबें मैसर ना थी। उनकी जाती किताबें उनके पास ना होने के बाद भी उन्हें पढ़ाई का बड़ा शौक था। वो मुल्क की खिदमत का जज्बा भी रखते थे। इतना ही नहीं कि उन्होंने जो है तालीम हासिल कर जो है अपने नाम को रोशन किया। तो अजीज तलबा, हम भी जो है इस बात से ये सबक सीखें कि हम भी जो है तालीम हासिल करके मुल्क की सामाजिक खिदमत करें और जो है अपने नाम को रोशन करें, ताकि हमारा नाम भी रोशन हो और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो। अजीज तलबा, हर बच्चे में कुछ ना कुछ सलाहियत होती है, बशर्त ये कि बच्चा अपने अंदर की सलाहियत को जो है कोशिश, मेहनत और जद्दोजहद के ज़रिए से बाहर लाने की कोशिश करे। अल्लाह पाक ने हर इंसान में बेशुमार सलाहियतें दी है, सिर्फ ये है कि मेहनत और जद्दोजहद की कमी होती है। अगर बच्चा मेहनत करे तो वो तरक्की करके आसमान की बुलंदियों को भी छू सकता है। तो अजीज तलबा, हम भी कोशिश करें कि हम जो है खेलने के साथ साथ पढ़ाई के ऊपर भी तवज्जो दें, और जिस तरीके से दादा भाई नूरू जी ने तालीम को आम किया तो हम भी तालीम को आम करने की कोशिश करें और जो है हमारे मुल्क की खिदमत का जज्बा हमारे अंदर भी पैदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।